हेलो फ्रेंड्स, साइंटिफिक आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। यहाँ पे मैंने इथेनॉल लिया है, उसको H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया, तब ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर रिलीज कर देता है। उसके डिटेल मैकेनिज्म में आज आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे साथ स्टडी करते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो अल्कोहल है उसमें मैंने थोड़ा एक्सपांड फॉर्म में लिख दिया है। ऑक्सीजन के ऊपर हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दी है और जो H2SO4 है उसका H+ है, तो उसके ऊपर हमारा ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन अटैक करवाएगा, तभी ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है उसमें से अब बनेगा कार्बोकेटायन। तो ये मैंने ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे लिख दिया है। तो अब ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है उसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप और उसी को कहते हैं रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, और वाटर रिलीज हो जा रहे हैं न्यूट्रल फॉर्म में। अब यहाँ से आगे जाते हैं तो ये हमारा बन गया है कार्बोकेटायन। अब कार्बन को भी अनस्टेबल है, इसको भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो तब होता है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय डीप्रोटोनेशन या तो एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें हमने वही वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर देता है और H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और हमको मिल जाती है हमारी प्रोडक्ट इथीन। इसी मैकेनिज्म की कंप्लीट PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू।